बालेश्वर जिलार नीलगिरी एक आदिवासी अधुषित अंचल आउ अयोध्या हेउची एठाकार मंदिर मालिनी गाँ अयोध्यार माटी पाणी पवन रे एबे भी जीवित अछि संस्कृति परंपरा और विरल ऐतिह किंतु सांप्रतिक समय रे एहार अवक्षय खूब चिंतार विषय तथा एहार प्रभाव परिवेश उपरे मध्य पड़ुछि तेणु एहार रक्षणाबेक्षण निमन्ते निजर कलाकृति को जारी रखिछन्ति बालेश्वर नीलगिरी अयोध्या ग्रामर निरंजन खुंटिया प्राप्त वयसरे मध्य निजर दृढ़ इच्छाशक्ति कृत संकल्प तथा सशक्त मानसिकता को पाथेय करी गछर डाल संग्रह करी कलाकृति निर्माण करुछंती कलाकृति मध्यरु जणे आदिवासी व्यक्ति शिकार पाई जिबा बिरसा मुंडा जंगल रे बंसी बजाइबा बुढ़ी लोकटीए पछरे बाड़ी धरी बुढ़ाटीए जाउथबा माँ कोलरे छोट छुआ धांगड़ा धांगड़ी धूमसा बजाइबा आदि सुदृश मूर्तिगुड़ी को निर्माण करुछंती आमे तो बहुत अनुप्राणित बाबा जो कलाकृति आउर जो नोड़ा नटारे जो आदिवासी संस्कृति को सी बजे रखिंटी आमे बहुत गर्वित आम पे उद्देश्य जो जो परिवेश सुरक्षा जोटा कहले आपन को परिवेश सुरक्षा दिगरे आदिवासी जीवनशैली आउर संस्कृति की बचे रखिले निश्चित भाव में परिवेश सुरक्षा दिगरे से सहायक हम यहाँ हूँ मूल तत्व हाँ निश्चित भाव से चिंता करा गोटे गवेषणा केन्द्र हूँ नीलगिरी उपखंड में गोटे गवेषणा आदिवासी अधिसूत अंचल जेहेतु यहाँ तेणु गोटे गवेषणा केन्द्र है आदिवासी जीवनशैली जो यू कलाकृति को नहीं अधिक अधिक विकसित हाँ अयोध्या उच्च विद्यालय किराणी रूपे अवसर नेबा से कलाकृति पाई आग्रही होइथिले व्यतीत शिक्षार पूर्णांग विकास तथा वैप्लविक परिवर्तन आणिबा लक्ष्य नहीं 1979 मसीहारे से अयोध्यार श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र प्रतिष्ठा करथिले 90% जनजाति पिलामाने पाठ पढ़ती तेबे कलाकृति से काहाठारु सिखिनांती किंबा केही सिखाई नाही निजर रुचि तथा किछि नुआ करी देखाइबा पाई एपरी प्रयास आरंभ करिछंती कोरोना महामारी समय रे होइतिबा लॉकडाउन समय रे एही कलाकृति तयारी पई अधिक समय पाइथिले निरंजन निरंजन ओ तांको परिवार पंडिचेरी श्री अरविंद आश्रम रे थिबा बेले माननीय केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तांको भेटी आलोचना करथिले ओ डाटाटा मु प्रकृत रे कोविड पीरियड रे आरंभ करले मो चारि पाखरे जो माने अछन्ति से माने सब जो आदिवासी श्रेणी लोक बेसी एवं से माने पिलाटे दिन रे मु से माने सहित मिसिछि ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଢଙ୍ଗ ବାଗ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ନାଚ ଗୀତ ଏସବୁ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ନିରଞ୍ଜନ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନ ହୋଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନିଜ କଳାକୃତିରେ ଜୀବିତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଆରା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାୟତାର ହାତ ମିଳେ ସେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍